विपिन भाई मैं उंगली नहीं छीलने वाला, उंगली फिर आपकी जेब में भी चली जाएगी, किसी बाप का लेके निखारा। चाहत पांडे की वजह से रजत दलाल भिड़े विवियन देसेना से। दरअसल विवियन अननेसेसरीली चाहत पांडे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। विवियन गेम में काफी अच्छा कर रहे हैं, उनके फैंस भी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब जो विवियन कर रहे हैं वो काफी फालतू और बेवजह की लड़ाई लग रही है। दरअसल विवियन सबसे पूछते हैं, अरे किसी को वॉशरूम यूज करना है क्या, बाथरूम यूज करना है, किसी को नहाना है क्या? इसके बाद चाहत पांडे कहते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं नहा लेती हूँ। फिर विवियन कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो मैं ही नहाऊंगा। तो चाहत कहते हैं कि चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप नहा लो। उसके बाद विवियन बाथरूम में जाके गेट बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद रजत को आवाज लगाते हैं कि रजत तेरे को नहाना है तो तू आ जा। इसके बाद रजत कहते हैं कि हाँ मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो इस कॉन्वर्जेशन के दौरान चाहत पांडे भी वहीं पे खड़ी थी, तो विवियन इस कॉन्वर्जेशन में थोड़े चाइल्डिश लग रहे थे। इसके बाद विवियन वहां से चले जाते हैं और रजत को कहते हैं कि किसी और को वॉशरूम यूज मत करने दियो। इसके बाद चाहत पांडे वहां जाती हैं और कहती है कि मेरे को वॉशरूम यूज करना है। रजत पहले तो मना करते हैं, फिर चाहत पांडे वॉशरूम यूज कर लेती हैं। बाद में विवियन आते हैं और पूछते हैं कि चाहत अंदर कैसे गई। इसके बाद विवियन रजत पर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गया था। इसके बाद रजत कहते हैं कि विवियन मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम बिना वजह की बातें मत करो और आगे से ये उंगली दिखा के मेरे से बात मत करना, ये उंगली फिर जेब में भी चली जाएगी, किसी के बाप का खा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ यहाँ पे विवियन देसेना का, मैंने तो कभी विवियन देसेना का नाम भी नहीं सुना। इसके बाद विवियन चुपचाप बाथरूम चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बताया कि रजत के साथ भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।